आज की मूवी FBI CIA जैसे बिग शॉट्स की नहीं बल्कि दो ऑर्डिनरी पुलिस वालों की कहानी है। एंड ऑफ वॉच स्टोरी है पुलिस वालों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी अनप्रिडिक्टेबल पर थैंकलेस सर्विस के बारे में। कैसे पुलिस डिपार्टमेंट दिन रात काम करता है ताकि एक शहर में लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, और कैसे ये लोग अपनी फैमिलीज तक ओवरलुक करके जरूरत पड़ने पर अपनी जान को भी रिस्क में डाल देते हैं ताकि सोसाइटी का बैलेंस डिस्टर्ब ना हो। पर स्टोरी शुरू करने से पहले इस गरीब यूट्यूबर की एक रिक्वेस्ट आपसे कि अगर आपने अब तक भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कहानी शुरू होती है साउथ लॉस एंजलिस से, जहाँ दो पुलिस वाले एक हाई स्पीडिंग कार का पीछा कर रहे हैं। वो कार रेजिडेंशियल स्ट्रीट्स में घुस आई है और रोड्स पे एक्सीडेंट करती हुई आगे बढ़ रही है। पुलिस कार उनकी कार को स्किड करवा के रोकती है, पर उस कार के रुकते ही दो गैंग मेंबर्स पुलिस पे फायर करते हैं और रिटर्न फायर में पुलिस वाले उन्हें शूट करते हैं। इन दोनों पुलिस वालों का नाम है ऑफिसर ब्रायन, जो एक एक्स आर्मी ऑफिसर है, और ऑफिसर माइक, जो एक मैक्सिकन बॉर्न अमेरिकन है। माइक और ब्रायन पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी से ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं और इस जॉब में पार्टनर से ज्यादा दो भाइयों की तरह रहते हैं। ब्रायन अपने एक आर्ट प्रोजेक्ट के लिए एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा है और उसके कैमरे से माइक के सिवा बाकी सभी पुलिस वाले बेहद अनॉयड रहते हैं। माइक और ब्रायन को अपनी रीसेंट शूटिंग के लिए डिपार्टमेंट से क्लीन चिट मिलती है और वो सभी ऑफिसर्स की तरह अपनी पुलिस क्रूजर में बैठ के पेट्रोलिंग पे निकलते हैं। माइक मैरिड है और उसकी वाइफ गैबी प्रेग्नेंट है, और वो ब्रायन को भी एक सूटेबल लड़की देख के सेटल होने के लिए कहता है, जिसपे ब्रायन उसे बताता है कि वो जैनेट नाम की एक साइंस प्रोफेसर को डेट कर रहा है, पर अभी इस रिलेशनशिप में इतना सीरियस नहीं है। तभी उन्हें डिस्पैच से अपने रेडियो पे दो छोटे बच्चों के मिसिंग होने की न्यूज मिलती है और वो उस एड्रेस पे जाते हैं। होम ओनर और उसका हस्बैंड एक ड्रग एडिक्ट होते हैं और वो कहते हैं कि उनकी 2 साल की बेटी और 3.5 साल का बेटा मिसिंग है। उनके नशे में होने की वजह से माइक उन्हें कंट्रोल करता है और ब्रायन सारा घर चेक करने लगता है। वो दोनों बच्चे ब्रायन को एक कपड़े की अलमीरा में मिलते हैं, जिनके हाथ और मुंह पे टेप लगी होती है। ब्रायन गुस्से में बाहर आके उसके फादर को अरेस्ट कर लेता है और माइक को बताता है कि ये नशे में बच्चों के शोर से तंग आके उन्हें अलमीरा में लॉक करके भूल गए थे। अपने दिन की पहली कॉल और उन छोटे बच्चों की कंडीशन देख के ब्रायन काफी अपसेट होता है, पर माइक उसे समझाता है कि हमारा यूनिफॉर्म पहनने का मतलब ही ये सब फेस करना है। रात को एक कर्ब साइड नाम का मैक्सिकन गैंग एक अफ्रीकन अमेरिकन गैंग और उनकी फैमिलीज के ऊपर बेहद हैवी वेपन से शूटिंग करता है। अगले दिन माइक और ब्रायन को उनकी शूटिंग में इन्वॉल्व वैन पूरी तरह जली हुई मिलती है, जिससे पुलिस को कोई हेयर सैंपल या फिंगरप्रिंट ना मिल पाए, और उन्हें 2 डिटेक्टिव वहां कैमरे से शूट करने के लिए डांटते हैं और एरिया में टेप लगा के दूर खड़े रहने को बोलते हैं। ब्रायन को डिटेक्टिव्स का बिहेवियर पसंद नहीं आता, पर माइक कहता है कि वो डेजिग्नेशन और एक्सपीरियंस में हमसे सीनियर हैं और कुछ साल बाद हम भी डिटेक्टिव एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। रात को वो एक नॉइस कंप्लेंट की वजह से कर्ब साइड गैंग की एक पार्टी में जाते हैं और उन्हें म्यूजिक कम करने को कहते हैं। साथ ही वो ये रियलाइज करते हैं कि ये गैंग पुलिस वालों से जरा भी नहीं डरता। माइक अपने घर के एक फैमिली फंक्शन में ब्रायन के साथ उसकी गर्लफ्रेंड जैनेट को भी बुलाता है, और जैनेट माइक की वाइफ गैबी और बाकी सबसे मिलके बेहद खुश होती है, और फाइनली ब्रायन और जैनेट एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। एक सुबह ट्रैफिक स्टॉप पे वो एक मैक्सिकन गैंग मेंबर को सस्पिशन पे रोकते हैं, पर वो आदमी माइक पे फायर करता है और ब्रायन फौरन उसे अरेस्ट कर लेता है। उस कार को सर्च करते हुए उन्हें एक खाने के बर्तन में छुपाया हुआ कैश और किसी बड़े कार्टल मेंबर की गोल्ड से बनी कस्टमाइज्ड AK-47 राइफल मिलती है, और जब वो इस अरेस्ट का पेपर वर्क कर रहे होते हैं तब उनके स्टेशन का मेन कैप्टन उनकी इस रिकवरी और विजिलेंट पुलिसिंग की तारीफ करता है। अपनी शिफ्ट खत्म होने से पहले उन्हें एक जलता घर नजर आता है और माइक बिना फायर डिपार्टमेंट का वेट करे घर के अंदर घुस जाता है और उसके पीछे ब्रायन भी चला जाता है। वो एक बच्चे को बचा के उसकी माँ तक ले आते हैं, पर उन्हें पता चलता है कि अंदर एक 2 साल की बच्ची अभी भी है, और वो दोनों वापस जाते हैं
और बेहद मुश्किल से बढ़ चुकी आग और धुएं के बीच में से उस बच्ची को रेस्क्यू करते हैं। अपने इस एक्ट के लिए दोनों को पुलिस डिपार्टमेंट से एप्रिसिएशन और गैलेंट्री अवार्ड मिलता है। ब्रायन माइक को कहता है कि वो गोल्ड मेड AK-47 वाला आदमी जिसे हमने पकड़ा था, वो जिस घर से बाहर आया था उस घर को तो किसी ने चेक ही नहीं किया, और क्यों ना हम एक बार वहां जाके देखें। उस घर पर पहुंच के वो लोग वहां मौजूद एक लड़के से पूछताछ करते हैं, जिसके पास से उन्हें कुछ कैश और 2 अनलाइसेंस्ड और कस्टमाइज हैंडगन्स मिलती हैं। पर माइक वहां मौजूद एक शीट वॉल को हटा के देखता है तो उन्हें वहां कैद में रखे हुए 50 से भी ज्यादा इलीगल मैक्सिकन दिखाई देते हैं, और वो दोनों फौरन अपने डिपार्टमेंट से और बैकअप मंगवाते हैं। पर तभी वहां आइस यानी इमिग्रेशन और कस्टम एनफोर्समेंट के कई ऑफिसर्स आ जाते हैं और उन दोनों को उनके मिशन के बीच में आने के लिए डांटते हैं। आइस का ऑफिसर उन्हें समझाता है कि ये सब एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिंग से कहीं ज्यादा है और सिनालोआ कार्टेल से कनेक्टेड है, और तुम्हें इन सब से काफी दूर रहना चाहिए, और उन्हें वार्न करता है कि कार्टेल्स की नजरों में गलती से भी ना आए, क्योंकि वो लोग एनिमल्स हैं और किसी को भी अहम कर सकते हैं। ब्रायन फिर से इस डिपार्टमेंटल पॉलिटिक्स को गालियां देता है, क्योंकि डिटेक्टिव्स हों या आइस या FBI, कोई भी आम पुलिस वालों को कुछ नहीं समझता। इसी बीच गैबी को एक बेटा पैदा होता है और माइक के फादर बनने की खुशी में ब्रायन और जैनेट भी उनसे मिलने आते हैं। अपनी शिफ्ट पे नॉर्मल पेट्रोलिंग करते हुए उन्हें रेडियो पे एक डिस्ट्रेस कॉल आता है, जहां पहुंच के वो देखते हैं कि उन्हीं की बीट के एक पुलिस वाला वैन की आंख में एक क्रिमिनल चाकू मार के भागा है, और वो दोनों पास ही की गली में उस क्रिमिनल को वैन की पार्टनर को पीटते हुए अरेस्ट कर लेते हैं। उस हैवीवेट क्रिमिनल ने वैन की पार्टनर पुलिस ऑफिसर को बेहद बुरी तरह पीटा होता है, और एक बार तो माइक और ब्रायन का उसे शूट कर देने का मन होता है, पर क्योंकि वो पीसफुली सरेंडर कर देता है इसीलिए वो दोनों खुद को रोक लेते हैं और अपने बाकी साथियों को भी गुस्से में कुछ गलत करने के लिए मना करते हैं। कुछ दिनों बाद ब्रायन और जैनेट शादी कर लेते हैं और अपनी वेडिंग में सबको एक डांस परफॉर्मेंस देते हैं। वो बेहद खुशी का दिन होता है जब सारे पुलिस वाले पार्टी करते हैं और माइक जैनेट को फैमिली में वेलकम करता है। शादी के एंड में माइक ब्रायन से कहता है कि वो उसके भाई की तरह हैं, और अगर उसे कभी कुछ भी हो गया तो वो हमेशा जैनेट का ख्याल रखेगा। नेक्स्ट दिन अपनी पहली डिस्पैच कॉल पे उन्हें एक लेडी की कंप्लेंट मिलती है, जिसका अपनी 75 इयर्स की माँ से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, और वो दोनों उस कॉल पे रिस्पॉन्ड करते हैं। वो दोनों उस एड्रेस पहुंच के डोर नॉक करते हैं और बाहर से सारा घर चेक करते हैं, पर वहां कोई एक्टिविटी नहीं होती। फाइनली वो दरवाजा तोड़ के उस घर में एंटर करते हैं, जहां काफी बदबू होती है। उन्हें घर के अंदर काफी सारे पुराने सेल फोन्स और एक क्लोजेट के अंदर एक बूढ़ी औरत की प्लास्टिक रैप्ड डेड बॉडी मिलती है, पर थोड़ा और सर्च करने पे उन्हें पता चलता है कि यहाँ कई और लोग भी आते जाते रहते हैं, और उन्हें कुछ बॉक्सेस मिलते हैं जिन्हें चेक करने पर उन्हें बेहद केयरफुली पिकल्स के बीच में छुपाई हुई हेरोइन मिलती है। ब्रायन उस घर की किचन का स्टोव ऑन देख के अलर्ट हो जाता है और माइक के साथ किसी गैंग मेंबर को एक्सपेक्ट करता हुआ गन के साथ आगे बढ़ता है, पर इसके बाद जो वो लोग देखते हैं वो उन्होंने अपने पूरे पुलिस करियर में आज तक विटनेस नहीं किया होता। नेक्स्ट रूम में कई लोगों की आधी अधूरी कब्र होती है, जिसमें से कई इंसानों के कटे हुए बॉडी पार्ट्स नजर आ रहे होते हैं और कई लोगों के कटे हुए सर भी उसी के पास रखे होते हैं। वहां बेसबॉल बैट्स, बेल्ट्स और हर तरह की नाइव्स होती हैं, और गलती से उन्होंने एक टॉर्चर चैम्बर डिस्कवर कर लिया होता है। ब्रायन को उल्टी आने लगती है और वो दोनों बैकअप रिक्वेस्ट करके उस घर से बाहर आ जाते हैं। कुछ ही देर में पुलिस के साथ साथ शहर की मीडिया भी वहां आ जाती है, क्योंकि वहां करोड़ों की हेरोइन के साथ साथ काफी सारी इनकम्प्लीट और कटी हुई बॉडीज भी मिली होती हैं। ब्रायन और माइक अपने घर लौट जाते हैं, पर नेक्स्ट मॉर्निंग करीब सुबह के 4 बजे आइस के ऑफिसर्स बड़े कार्टल मेंबर्स की साउथ मेक्सिको की एक वीडियो इंटरसेप्ट करते हैं, जिसकी ऑडियो में कार्टल बॉस मैक्सिकन लैंग्वेज में 2 पुलिस वालों को खत्म करने की बात कर रहा होता है। कार्टल बॉस अपने US के लोगों को साफ इंस्ट्रक्शन देता है कि 2 पुलिस वालों की वजह से
वो इतना लॉस बियर नहीं कर सकते, तो या तो अब तुम उन्हें हैंडल करो या मैं तुम्हें हैंडल करूंगा। रोज की तरह ही ब्रायन और माइक जब पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं तो एक अफ्रीकन अमेरिकन गैंग का एक मेंबर उन्हें कहता है कि सुपर मैक्स प्रिजन, जहां उसका एक कजन बंद है, वहां के कुछ बड़े मैक्सिकन गैंग मेंबर्स ने तुम्हारे सर पे कॉन्ट्रैक्ट रख दिया है, पर वो कहते हैं कि पुलिस वालों को तो हर क्रिमिनल मारना ही चाहता है और इस बात को सीरियसली नहीं लेते, पर वो नोटिस नहीं करते कि कर्ब साइड गैंग उन्हें सुबह से फॉलो कर रहा होता है। वो उन दोनों पे अटैक करने का सोचते हैं, पर दिन दहाड़े शहर में शूटआउट और पुलिस बैकअप के डर से उनके फेल होने के चांसेस भी होते हैं, इसलिए वो कुछ अलग प्लान करते हैं। अपनी शिफ्ट एंड होने से कुछ ही देर पहले उन्हें एक कार रेड लाइट जंप करते हुए देखती है, जिसके बाद वो कार स्पीड बढ़ा के वहां से निकलने लगती है, पर वो दोनों उस कार का पीछा करते हैं और उस कार का ड्राइवर थोड़ी दूर तक भगाने के बाद अपनी कार रोक के एक बिल्डिंग में भाग जाता है और निक और ब्रायन भी उसके पीछे भागते हैं। पर ये सब एक सेटअप होता है और उन दोनों के बिल्डिंग में एंटर करते ही कर्ब साइड गैंग AK से उन पे फायरिंग करता है। इस सडन अटैक से ब्रायन के हाथ में गोली लगती है और उसका रेडियो वॉकी छूट जाता है। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए एक अपार्टमेंट में घुस जाते हैं और उसकी ओनर का फोन लेके अपने डिपार्टमेंट को हेल्प भेजने के लिए कहते हैं, पर अपनी लोकेशन बता पाने से पहले ही कर्ब साइड गैंग उस अपार्टमेंट पे हैवी फायरिंग करता है और माइक और ब्रायन को वहां से भागना पड़ता है। अपार्टमेंट के बाहर भी एक आदमी उनका वेट कर रहा होता है, जिसे ब्रायन मार गिराता है, और क्योंकि ये पूरी बिल्डिंग कर्ब साइड से भरी पड़ी होती है, इसलिए वो बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। बिल्डिंग के बाहर एक गली में भी एक गैंग मेंबर असाइन होता है, जिसे मार के ब्रायन कहता है कि ये लोग हमें हर साइड से घेर रहे हैं। अब उस अंधेरी गली में वो दोनों मेन रोड की तलाश में भाग रहे होते हैं और कर्ब साइड गैंग उन्हें शिकारियों की तरह हंट कर रहा होता है। तभी उन्हें उस गली में एक कार आती हुई दिखती है और माइक को लगता है कि शायद उनके बैकअप में कोई ऑफिसर्स उन्हें बचाने आए हैं, पर ये कार भी उसी गैंग की होती है जिस पे वो दोनों फायर करते हैं। पर एक गैंग मेंबर मरने से पहले ब्रायन की चेस्ट में शूट करता है और उसका बॉडी कैम टूट जाता है और ब्रायन जमीन पे गिर जाता है। माइक उसे चेक करता है और असॉल्ट राइफल की बुलेट ने ब्रायन के बुलेट प्रूफ वेस्ट में होल कर दिया होता है और ब्रायन अपने हाथ और चेस्ट में लगी गोली की ब्लीडिंग से बेहोश होने लगता है और माइक उसे होश में रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि उनके बाकी पुलिस वाले साथी जरूर उन्हें ढूंढते हुए आएंगे। पर माइक ये रियलाइज नहीं करता कि उसके ठीक पीछे कर्ब साइड गैंग खड़ा होता है और उसके रिएक्ट करने से पहले ही वो लोग उसे गोलियों से भून डालते हैं और माइक ब्रायन की बॉडी के ऊपर गिरता है। उन दोनों को खत्म करने के बाद कर्ब साइड वाले उन पे कुछ और बुलेट फायर करके थूक कर आगे बढ़ जाते हैं, पर उस गली से बाहर नहीं जा पाते क्योंकि बाकी पुलिस डिपार्टमेंट उस गली को ब्लॉक कर देता है। और जैसे ही वो उन पुलिस वालों पे पहली गोली चलाते हैं, पुलिस वाले उन सबको वहीं ढेर कर देते हैं। फाइनली दो पुलिस ऑफिसर्स माइक और ब्रायन के पास पहुंच जाती हैं और देखती हैं कि हमेशा की तरह दोनों अभी भी एक दूसरे के साथ हैं। फ्यूनरल सर्विस एक परेड की तरह होती है, जिसे लॉस एंजलिस शहर का हर पुलिस वाला अटेंड करता है। एंड में हम देखते हैं कि स्टेज पे सिर्फ माइक की फोटो है, क्योंकि जब उसने ब्रायन की बॉडी को कवर किया था तब कोई और एक्स्ट्रा बुलेट उसे नहीं लगी थी और बुरी तरह इंजर्ड होने के बाद भी वो जिंदा बच गया था। ब्रायन क्रचेस की हेल्प लेके स्टेज पे आता है, पर जैनेट, गैबी और माइक के न्यू बॉर्न बच्चे को देख के बस रो पड़ता है और कुछ बोल नहीं पाता। मूवी के एंड में ब्रायन अपने कैमरे में शूटिंग वाले दिन की लास्ट रिकॉर्डिंग देखता है, जिसमें वो दोनों बेहद खुश हैं और हंस रहे हैं। ऐसी ही एक और मूवी के लिए लेफ्ट क्लिक करना, और अगर प्रेजेंट मूवीज का शौक है तो प्लीज क्लिक ऑन राइट। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।